एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर आन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है बॉलीवुड से रिलेटेड। और ये वीडियो में हम देखेंगे कि बॉलीवुड में बेसिकली जो नॉर्मली हिंदू एंड मुस्लिम्स जो है ना, उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सो ये देखेंगे कि कौन सी टॉप जोड़ीज हैं जो कि बॉलीवुड में काफ़ी फेमस भी हैं, और जो है वो उनकी शादियां भी जो है ना, वो एक दूसरे से क्रॉस रिलीजन्स में, मतलब कि हिंदू की मुस्लिम से और मुस्लिम की हिंदू से शादी हुई है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ना मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि मतलब कि हमें ऐसे एक्टर्स के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में शायद मुझे इससे पहले नहीं पता था। और काफ़ी चीज़ें जो है ना, अक्सर होता है कि हम सोचते कुछ है और एक्चुअली वो निकलता कुछ और है, तो वो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है। तो चलते देखते हैं कौन सी जोड़ी भाई जो है वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, एंड ऑल्सो उनका केमिस्ट्री क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो करते वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुम सभी लोग यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें वी फॉर विनोवेटिव के वीडियो क्यों नहीं दिखते जबकि तुमने उसे सब्सक्राइब किया है। तुम सभी लोगों ने एक बड़ी गलती की है, तुमने घंटी नहीं दबाई। बॉलीवुड में प्यार का कोई पैमाना नहीं है, ना ही कोई रंग भेद और ना कोई धर्म की अड़चन। इसलिए बॉलीवुड में कई हिंदू अभिनेत्रियां ऐसी रहीं जिन्होंने शादी के लिए मुस्लिम लड़कों को चुना, और इस कड़ी में कुछ अभिनेता ऐसे रहे जिन्होंने मुस्लिम अभिनेत्रियों को अपना जीवन साथी बनाने में देर नहीं की। तो दोस्तों, मैं हूं अजय सोलंकी और आज हम जानते हैं बॉलीवुड के हिंदू मुस्लिम मैरिज कपल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन मुस्लिम अभिनेत्रियों की जिन्होंने हिंदू अभिनेताओं से शादी की थी। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है पुराने ज़माने की सुपरहिट एक्ट्रेस नरगिस दत्त का। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था और सुनील दत्त भी फिल्मों में नाम बदल कर आए थे। बता दें कि उनका असली नाम बलराज दत्त था। नरगिस और सुनील की मुलाकात ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। इस दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने 1958 में शादी कर ली। आज दोनों सुपरस्टार हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे संजय दत्त बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। अब देखते हैं आगे कौन है। तो अपनी खूबसूरती के लिए आज भी पहचान रखने वाली एक्ट्रेस मधुबाला ने फिल्म सिनेमा के जाने माने नाम किशोर कुमार के साथ शादी की थी। मधुबाला मुस्लिम थी, उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। बता दें कि पहले मधुबाला और दिलीप कुमार शादी करने वाले थे, लेकिन मधुबाला के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। इसके बाद मधुबाला ने सिंगर, गीतकार, एक्टर, डायरेक्टर किशोर कुमार से शादी की। यह किशोर कुमार की दूसरी शादी थी। बता दें कि किशोर कुमार ने मधुबाला की मौत के बाद भी दो और शादियां की थी। इसके बाद हैं फिल्म इंडस्ट्री के फिटमैन यानी कि सुनील शेट्टी। उन्होंने भी अपना हमसफर एक मुस्लिम लड़की माना कादरी को चुना था। सुनील को माना से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने साल 1991 में शादी कर ली। सुनील की बेटी आथिया फिल्म हीरो से डेब्यू कर चुकी हैं। उनका बेटा आहान जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाला है। अब देखते हैं आगे किसका नंबर है। तो बॉलीवुड के मजे हुए कलाकार मनोज बाजपेयी ने एक्ट्रेस शवाना रजा से शादी की है। शवाना फिल्म करीब में एक्टर बॉबी देओल के साथ नजर आई थी। आज दोनों की एक बेटी भी है। करियर की बात करें तो शवाना घर गृहस्थी संभाल रही हैं और मनोज ने बॉलीवुड में अपना दमदार अभिनय कायम रखा है। अब इस लिस्ट में नंबर आता है बॉलीवुड के संजू बाबा का। संजू बाबा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने माँ बाप नरगिस और सुनील दत्त की तरह बॉलीवुड में अपनी इमेज कायम रखी है। संजय ने मान्यता दत्त से शादी करने से पहले दो और शादियां की थीं। बता दें कि मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख है। अब देखते हैं नंबर 6 पर कौन है। तो बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन ने एक्टर संजय खान की बेटी और एक्टर जायद खान की बहन सुजैन खान से साल 2000 में शादी की थी।
लेकिन आपसी कलह की वजह से यह शादी 2014 में टूट गई। बता दें, ऋतिक ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से की थी। इस कड़ी में एक और बड़े अभिनेता राज बब्बर का नाम आता है। उन्होंने साल 1975 में एक्ट्रेस नादिरा जहिर से शादी की थी। उस समय राज बब्बर स्थापित एक्टर व डायरेक्टर थे और नादिरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में स्टूडेंट थी। इस लिस्ट में एक और नई जोड़ी है जिसका नाम है कुणाल खेमू और सोहा अली खान। सोहा अली खान से कुणाल खेमू ने साल 2014 में शादी की थी। सोहा अली खान सैफ अली खान की बहन है। कुणाल खेमू को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी 90 के दशक में कई फिल्मों में देखा गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई मुस्लिम अभिनेत्रियों और हिंदू अभिनेताओं की, और अब बात करते हैं मुस्लिम अभिनेता और हिंदू एक्टर की शादी की बात। तो इस लिस्ट में आते हैं शाहरुख खान और गौरी चिब्बर। इस जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ी माना जाता है। गौरी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शाहरुख खान और गौरी चिब्बर ने साल 1991 में शादी की थी और ये शादी तब हुई थी जब शाहरुख खान बॉलीवुड में कुछ भी नहीं थे। इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम है मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान और किरण राव का। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान और किरण राव ने साल 2005 में शादी की थी। किरण राव एक ब्राह्मण परिवार से हैं। साल 2011 में दोनों के बेटे आजाद का जन्म हुआ था। अब आता है अरवाज खान और मलाइका अरोरा खान का नंबर। शादी के बाद अरवाज और मलाइका को दो बच्चे भी हुए, लेकिन अफसोस, शादी के इतने साल गुजरने के बाद कुछ समय पहले ये कपल अलग हो गया और इनका तलाक हो गया। अब आता है सैफ अली खान और करीना कपूर खान का नंबर। यह बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ी में से एक है। आपने देखा होगा शादी के बाद लड़की अपना सरनेम लड़के के सरनेम पर रखती है, लेकिन यहाँ करीना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पति के सरनेम के साथ साथ अपना पुराना सरनेम भी जोड़े रखा। शादी के बाद करीना और सैफ अली खान को साल 2016 में बेबी बॉय हुआ जिसका नाम है तैमूर। अब नंबर आता है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक नशीरुद्दीन शाह का। नशीरुद्दीन शाह ने भी हिंदू लड़की से शादी की थी जिसका नाम है रत्ना पाठक शाह। रत्ना पाठक भी बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। नशीरुद्दीन शाह इससे पहले भी एक और शादी कर चुके थे जिससे उनकी एक बेटी भी हुई थी। अब इस लिस्ट में नंबर आता है एक्टर सिंगर डायरेक्टर फरहान अख्तर का, क्योंकि उनकी वाइफ का नाम है अधूना भावानी। वे दिल चाहता है कि सेट पर मिले थे, इसके बाद उन्होंने शादी कर ली। अधूना फरहान से 6 साल बड़ी हैं, उनको 2 बेटियां भी हैं। आजकल यह कपल अलग रह रहा है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी जोड़ी पसंद आई। तो दोस्तों, यह वह जानकारी थी जिसमें आपने हिंदू मुस्लिम कॉम्बिनेशन को देखा था। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मैं अगली बार किसी और खबर के साथ वापस आऊंगा, तब तक आप बने रहिए वी फॉर विनोवेटिव के साथ। गॉड गाइस, फाइनली देखा, मैंने कहा था ना इसमें कुछ एक्साइटेड डिफरेंट होगा। एंड सच बताऊं तो जो संजय दत्त है ना, उनका तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। मतलब कि उनको लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम भी, मैंने सुना है कि वो मुस्लिम भी है, कभी मुझे सुनने में आता है कि वो हिंदू मतलब से ताल्लुक, धर्म से ताल्लुक रखते हैं ना। तो अब नाम तो उनका संजय है, तो विच मीन्स दैट कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर उनका समटाइम मुस्लिम से भी कनेक्टिविटी आती है, तो मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअली क्या है। लेकिन अब पता चल रहा है कि बेसिकली इनकी जो पेरेंट्स हैं वो, मतलब कि इनकी शायद मॉम जो है वो मुस्लिम थी, फिर उन्होंने अपना नाम और धर्म जो है वो चेंज कर लिया, और फिर वो जो है वो काफ़ी फेमस भी थी। ये भी मुझे पता चला है कि वो मिस इंडिया मदर इंडिया जो मूवी थी उसमें जो हीरोइन मतलब थी वो इनकी मदर थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। टू बी ऑनेस्टली मुझे वाकई में नहीं पता था कि ये उनकी मदर है। एंड संजय दत्त की नो डाउट मुझे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, और उनकी शादी जिनसे हुई है बहुत ही ज़बरदस्त, और वो भी अच्छा, उनकी भी वाइफ जो है वो पहले मुस्लिम थी, अब वो हिंदू मतलब हिंदू बन गई है।
अच्छा, उसके साथ साथ ना मुझे ऋतिक रोशन की वाइफ का भी डाउट होता था पहले, कि डाउट ये होता था कि ऋतिक रोशन की जो वाइफ है वो मुझे लगता था क्रिश्चियन है, सुजैन के नाम से है ना, तो सुजैन ज़्यादातर जो है वो क्रिश्चियन में होता है, तो मैं ना कन्फ्यूज़ हो गई कि यार ये सुजैन, तो मुझे ये लगता था वो क्रिश्चियन है, लेकिन अब पता चला कि वो भी मुस्लिम थी। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि वो भी मुस्लिम थी। बाकी इन लोगों का जो है ना जोड़ी मुझे बड़ी पसंद आती है, सुजैन की और ऋतिक रोशन की, बिल्कुल बहुत ही अच्छी मस्त जोड़ी चल रही थी। पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन इन लोगों की डाइवोर्स हो गई। लेकिन इस बात से यह आइडिया होता है कि शादी बॉलीवुड में ज़्यादातर मैंने देखा है कि नॉन मुस्लिम की और मुस्लिम की जो शादी का कॉम्बिनेशन है ना, ये इंडिया में ज़्यादातर जो है ना ये बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप सैफ अली खान को देख लें, करीना कपूर को देख लें, तो करीना कपूर का भी यही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। मतलब करीना कपूर ने जो शादी की है तो उन्होंने नाम तो अपना वही रखा है, ठीक है ये तो उनकी एक पर है, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि इन लोगों को ना ये अपने तौर तरीके से चलते हैं। बॉलीवुड के ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब ये लोग, और मुझे समटाइम सीरियसली यार मुझे समटाइम ऐसा फील भी होता है कि बॉलीवुड में ना यहाँ पर लोग ज़्यादातर पैसे को डिमांड करते हैं, पैसे की वैल्यू है, मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसको बस उसकी तरफ चले जाते हैं, फिर वो ये नहीं देखते इसका धर्म क्या है, इसका मजहब क्या है, क्या है क्या नहीं है, उनको बस इस, और वो गोरा है चिट्टा है काला है ये है डीन है फलाना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी जोड़ियाँ देखी हैं जिसमें आपको मतलब बंदे के पास कुछ भी नहीं है और फिर भी उसके पास पैसा है तो उससे शादी हो जाती है। और मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे भी कमेंट पढ़े हैं कि लोग ना उनके बारे में यही बोल रहे होते हैं कि गरीब के पास तो पैसा नहीं है ना, तो इसलिए बॉलीवुड की एक्ट्रेस, मतलब कि इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट मुझे सुनने को मिलता है, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। तो खैर मलाइका अरोरा का भी देख लें, तो मलाइका अरोरा भी, उन्होंने भी अरबाज़ खान से शादी की और उसके बाद जो है वो उनका डाइवोर्स हो गया। हालांकि इतनी अच्छी जब उनकी शादी चल रही थी तो उनको डाइवोर्स लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब मलाइका अरोरा खान जो है वो उनके हस्बैंड के साथ, मतलब के किसके जो श्रीदेवी हैं उनके हस्बैंड के बेटे के साथ जो है वो अपसेट हुई हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो, मतलब कि इन लोगों को ये नहीं है कि इनके बच्चे इतने बड़े हैं तो चलो उनके उनकी उनकी वजह से ही साथ में रहा जाए, बच्चे बड़े हो गए हैं अब इन्होंने डाइवोर्स ले ली और अब नए लड़कों के साथ, और अच्छा अपने से आधी उम्र के, अपने बच्चों की उम्र के लोगों के साथ जो है वो रिलेशन बना के बैठ जाते हैं, ये लोग समझ से बाहर है। तो खैर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, वैसे मैं बता रही हूँ कि मैं हमेशा जो ऑब्जर्वेशन करती हूँ सोशल मीडिया पर भी मैंने बहुत कुछ देखा है, तो उससे मुझे यही आइडिया होता है कि यार ये लोग, इन लोगों को ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले कुछ अच्छा है भले कुछ बुरा है, इनको बस एक ही चीज़ है कि बस पैसा होना चाहिए, फेम होना चाहिए, दैट्स इट। फिर उनको की नहीं है कि उसका करैक्टर क्या है, उसके पास उसका 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 मज़हब क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फेस क्या है। और यही चीज़ हमें एक और नज़र आई, मुझे ना सुशांत सिंह जो है ना वो राजपूत, उनके बारे में मुझे याद आया कि यार वो इंसान इतना अच्छा था और इतना मासूम सा था और इतनी मेहनत करके वो आगे आया था, लेकिन उनको इन लोगों ने इतना डिप्रेस्ड कर दिया, इतना परेशान कर दिया। हालांकि अच्छा उसमें उस लड़की का भी नाम आ रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड का भी नाम आ रहा था, तो उस लड़की का नाम क्यों आ रहा था, क्योंकि वो भी शायद किस तरह से ही ये फेम के चक्रों में पड़ी हुई थी या कुछ इस तरह का सीन था, आई रियली डोंट नो। तो लेकिन यह कि मुझे जहाँ तक फील होता है, क्योंकि बॉलीवुड में इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो गाइस आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो यार उसके लिए सॉरी, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो कि मैं बॉलीवुड को ऑब्जर्व किया और सोशल मीडिया पर इतना कुछ मैंने देखा है, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों से जो है ना वो एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि यार ये चीज़ें मुझे लगती हैं। बाकी आपको क्या लगता है ये तो आप मुझसे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फेवरेट जोड़ी जो है ना उसके बारे में ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।